जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे भक्त गोरा कुंभार की जीवन कहानी। श्री ज्ञानेश्वर कालीन भक्तों में उम्र में सबसे बड़े गोरा जी कुंभार थे। इनका जन्म तेर ढोकी स्थान में सवन 1324 में हुआ। इन्हें सब लोग चाचा कहा करते थे। ये बड़े विरक्त, दृढ़ निश्चयी, ज्ञानी तथा प्रेमी भक्त थे। इनकी दो स्त्रियाँ थी। भजनानंद में तल्लीन होना इनका ऐसा था कि एक बार इनका एक नन्हा बच्चा इनके उन्मत्त नृत्य में पैरों तले कुचलकर मर गया, पर इन्हें इसकी कुछ भी सुध न हुई। इससे चिढ़ कर इनकी सहधर्मिणी संती ने इनसे कहा कि अब आज से आप मुझे स्पर्श न करें। तब से उन्होंने इन्हें स्पर्श करना सदा के लिए त्यागी दिया। संती को बड़ा पश्चाताप हुआ और बड़ी चिंता हुई कि इन्हें पुत्र अब कैसे हो और कैसे इनका वंश चले। इसलिए उन्होंने अपनी छोटी बहन रामी से इनका विवाह करा दिया। विवाह के अवसर पर ससुर ने इन्हें उपदेश किया कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार करना। बस इन्होंने नवविवाहिता को भी स्पर्श न करने का निश्चय कर लिया। एक रात को दोनों बहनों ने इनके दोनों हाथ पकड़कर अपने शरीर पर रखे। इन्होंने अपने इन दोनों हाथों को पापी समझकर काट डाला। इस तरह की कई बातें इनके विषय में प्रसिद्ध है। काशी आदि की यात्राओं से लौटते हुए श्री ज्ञानेश्वर नामदेवादि भक्त इनके यहाँ ठहर गए थे। सब भक्त एक साथ बैठे हुए थे। पास ही कुमार की एक थापी पड़ी हुई थी। उस पर मुक्ताबाई की दृष्टि पड़ी। उन्होंने पूछा, चाचा जी यह क्या चीज है? गोरा जी ने उत्तर दिया, यह थापी है। इससे मिट्टी के घड़े ठोक कर यह देखा जाता है कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन पक्का। मुक्ताबाई ने कहा, हम मनुष्य भी तो घड़े ही है, इससे क्या हम लोगों की भी सच्चाई पक्का मालूम हो सकती है? गोरा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। यह कहकर उन्होंने थापी उठाई और एक एक भक्त के सिर पर थप कर देखने लगे। दूसरे भक्त तो यह कौतुक देखने लगे, पर नामदेव बिगड़े। उन्हें यह भक्तों का और अपना भी अपमान जान पड़ा। गोरा जी थपते थपते जब इनके पास आए तो इनको बहुत बुरा लगा। गोरा जी ने इनके भी सिर पर थापी थपी और बोले, भक्तों में यह घड़ा कच्चा है। और नामदेव से कहने लगे, नामदेव तुम भक्त हो, पर अभी तुम्हारा अहंकार नहीं गया। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक ऐसे ही कच्चे रहोगे। नामदेव को बड़ा दुख हुआ। वे जब पंढरपुर लौट आए तब उन्होंने श्री विठ्ठल से अपना दुख निवेदन किया। भगवान ने उनसे कहा, गोरा जी का यह कहना तो सच है कि श्री गुरु की शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक कच्चे रहोगे। हम तो तुम्हारे सदा साथ है ही, पर तुम्हें किसी मनुष्य देहधारी महापुरुष को गुरु मानकर उनके सामने नत होना होगा, उसके चरणों में अपना अहंकार लीन करना होगा। भगवान के आदेश के अनुसार नामदेव जी ने श्री विशोबा खेचर को गुरु माना और गुरु उपदेश ग्रहण किया। इस प्रकार गोरा जी कुमार बड़े अनुभवी ज्ञानी भक्त थे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।